हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं कुणाल बरड़ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो आज का वीडियो MLM सॉफ्टवेयर के बारे में है। डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर में ऐसी पांच कौन सी चीजें होनी ही चाहिए, मस्ट है, होनी ही चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर अभी रनिंग चल रहा है या आप नए सॉफ्टवेयर का प्लानिंग कर रहे हो तो ये पांच चीजें तो आपके सॉफ्टवेयर में होने ही चाहिए, वरना आपका सॉफ्टवेयर लीगल के तौर से या फिर आपको जो फीचर चाहिए उस हिसाब से अच्छा चल नहीं पाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी तक आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े नहीं हुए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाए, वहां पे ढेर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एंड आपको कोई भी सर्विस चाहिए हमारी ब्लॉकचेन रिगार्डिंग, क्रिप्टो एक्सचेंज रिगार्डिंग, डायरेक्ट सेलिंग सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग, तो भी आपको गूगल लिंक मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, वो फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपका कॉन्टेक्ट करेगी। हमारी कंपनी को 5 साल हो गए, 5 साल होने की खुशी में मैं 5 ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके सॉफ्टवेयर में, डायरेक्ट सेलिंग के सॉफ्टवेयर में तो होनी ही चाहिए। उसमें पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि KYC का फीचर होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये तो बेसिक फीचर है, ऐसे सभी सॉफ्टवेयर में होता ही है, लेकिन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक KYC का फीचर, सभी यूजर को KYC करना कंपलसरी है एंड वो डेटा आपके पास सेव होना चाहिए। यानी कि वो डेटा जब भी कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट का ऑफिसर बाय चांस आपके ऑफिस की विजिट करता है तो एक ही बटन पे आप वो डेटा एक्सपोर्ट कर पाओ, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप कहीं से भी सॉफ्टवेयर बनाओ, ये फीचर तो उसमें होना ही चाहिए। यूजर का KYC होना चाहिए, वो कभी भी आप देख सक पाओगे ऐसा होना चाहिए, एंड वो कभी भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे ऐसा होना चाहिए। दूसरा, सपोर्ट टिकट होनी ही चाहिए, ये गवर्नमेंट ने भी बोला है कि विदाउट सपोर्ट टिकट आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाओगे। अभी सपोर्ट टिकट में क्या होता है, कोई यूजर को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है एंड वो कॉन्टेक्ट कहां पे करे, तो यूजर के पैनल में एक सपोर्ट टिकट का ऑप्शन होता है, वहां से वो एडमिन को कॉन्टेक्ट करेगा, जो भी मैसेज है वो मैसेज लिखेगा, कोई इमेजेस ऐसी है तो वो इमेज भी वो वहां पे अटैच कर पाएगा। सपोर्ट टिकट ग्रीवेंस ऑफिसर के पास पहुंचेगी। अभी गवर्नमेंट के नियम मुताबिक ग्रीवेंस ऑफिसर भी आपको अलोकेट करना जरूरी है, तो आपके सॉफ्टवेयर में सपोर्ट टिकट का ऑप्शन होना चाहिए, वो टिकट एडमिन तक पहुंचनी चाहिए एंड एडमिन उसका रिप्लाई करके टिकट क्लोज करे, ये फीचर आपके सॉफ्टवेयर में होने ही चाहिए। तो पहला हो गया KYC, दूसरा हो गया सपोर्ट टिकट का। तीसरा फीचर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, जो भी कंपनी ओनर कंपनी चला रहे है उसको इजी हो जाए इसलिए हमने वॉलेट क्रेडिट डेबिट का फीचर दे दिया। कभी कभार क्या होता है, कोई अच्छा सा लीडर आपके साथ जुड़ना चाहता है या फिर कोई लीडर को आप बोनस देना चाह रहे हो तो उसका वॉलेट हमने क्लिक किया और एडमिन से उसके वॉलेट में 500, 1000, 10000, 50000 जो भी रुपए आपको क्रेडिट करने हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। एंड आप चाहो कोई यूजर को ब्लॉक करना है या फिर उसके वॉलेट से अमाउंट डेबिट करनी है तो आप एज ए एडमिन के तौर पर आपके पास ऐसा राइट्स होता है कि आप वो अमाउंट डेबिट भी कर पाओ। तो ये फीचर भी मुझे पर्सनली बहुत जरूरी लग रहा है कि आप कहीं से भी सॉफ्टवेयर बनाओ, ये फीचर तो होना ही चाहिए। चौथा फीचर ये है कि एडमिन अपने एडमिन पैनल से कोई भी यूजर में लॉगिन कर पाए। इससे क्या होता है, एडमिन को कोई भी यूजर का पूरा डेटा देखना है, कितने इनकम के क्या रिवॉर्ड पे अभी है, तो वो आईडी पासवर्ड के बिना भी एडमिन पैनल से डायरेक्ट यूजर के अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। एज ए एडमिन आपका हक भी है, आपका राइट भी है, कोई भी यूजर के अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हो। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है,
सिक्योरिटी के तौर पे कोई यूजर का पासवर्ड हम सेव नहीं कर रहे एडमिन में भी। और आपको अभी क्वेश्चन होगा कि किसी भी यूजर के पैनल में तो आप एंटर कर सकते हो, तो सिक्योरिटी कहां पे रही? तो दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं कि पासवर्ड हम क्यों नहीं सेव करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो मैं यहां पे काम कर रहा हूं उसका पासवर्ड और मेरे बैंक का पासवर्ड सेम है, तो एज ए एडमिन मुझे उसका पासवर्ड पता नहीं चलेगा कि यूजर ने क्या पासवर्ड डाला है। तो यूजर के लिए सिक्योरिटी ये हो गई कि एडमिन के पास मेरा पासवर्ड नहीं जा रहा, हालांकि वो मेंबर पैनल में लॉगिन जरूर कर सकता है पर पासवर्ड शेयर नहीं हो रहा है। तो यूजर एक ही पासवर्ड, मतलब मेरी भी हैबिट है, कई सारे लोगों की हैबिट होगी कि एक सेम पासवर्ड होता है वो हर जगह पे, मैं सेम ही पासवर्ड, बैंक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर गूगल हो गया, हर जगह मेरा सेम पासवर्ड होता है। तो यूजर का पासवर्ड एडमिन के साथ शेयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यूजर की सिक्योरिटी हो गई एंड एडमिन किसी भी मेंबर के लोग मेंबर पैनल में एंटर कर सकता है। तो ये एडमिन के पास राइट्स हो गए कि मेरी कंपनी है तो मैं तो मेंबर पैनल में एंटर कर ही पाऊंगा, तो ये फीचर भी आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। पांचवा और आखिरी फीचर मुझे ये लग रहा है कि एडमिन रोल की फैसिलिटी एडमिन को मिलनी चाहिए। एडमिन रोल कैसे वर्क करता है आपने हमारे डेमोज में भी देखा होगा। एडमिन रोल यानी कि मैं एज ए एडमिन सुपर एडमिन हूं, मेरे पास सभी राइट्स है, मैं किसी का भी केवाईसी देख सकता हूँ, किसी भी मेंबर के पैनल में एंटर हो सकता हूँ, किसी की भी कितनी इनकम बनी सब कुछ देख सकता हूँ। पर अभी आपकी कंपनी बड़ी हो गई, आपने एक बंदा हायर किया और आपको ऐसा करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ केवाईसी ही देख पाए कि भाई किसी का केवाईसी हुआ कि नहीं, वो सिर्फ वो बंदे को ही चेक करना है। तो आपको क्या करना है, एडमिन रोल पे क्रिएट में जाना है, वहां पे वो यूजर को सिर्फ और सिर्फ केवाईसी सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो वो यूजर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिन डैशबोर्ड में केवाईसी ही दिखेगा और कुछ भी दिखेगा नहीं। तो ये फैसिलिटी भी आपके सॉफ्टवेयर में होनी अवश्य चाहिए। तो ये पांच ऐसी फीचर्स थे जो मुझे पर्सनल लग रहे हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। आप कहीं से भी सॉफ्टवेयर बनाओ, हमसे बनाओ या कहीं और से बनाओ, ये पांच चीजें तो अवश्य आपके सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। हमसे सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपको डेफिनेटली ये मिलेगी। इसके अलावा भी थाउजेंड्स ऑफ फीचर ऐसे हैं जो हम हमारे सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करते हैं। तो आप सोच रहे हो MLM बिजनेस शुरू करने का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करने का और सॉफ्टवेयर के लिए कंफ्यूज हो, तो आज ही हमारी टीम का कॉन्टेक्ट कीजिए या फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपका कॉन्टेक्ट करेगी। एक थॉट अभी दिमाग में ये आ रहा है, हमारे पास 50-55% क्लाइंट ऐसे आते हैं जिसने और कहीं पे सॉफ्टवेयर बना दिया है और वहीं पे अच्छा नहीं चल रहा है, फिर जाके वो हमारे पास आते हैं एंड हम उसका सॉल्यूशन लाते हैं। तो आप वो गलती मत करना, पहली बार ही हमारे पास आ जाएगा, आपको 110% सभी तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। आज ही हमारी टीम का कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको कोई भी सर्विस लेनी हो तो ब्लॉकचेन रिगार्डिंग या फिर डायरेक्शन रिगार्डिंग। जय हिंद, जय भारत।